हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं चिली हिबिस्कस प्लांट के ऊपर बात करूंगी कि चिली हिबिस्कस प्लांट की देखभाल किस तरह से हम कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि चिली हिबिस्कस का जो प्लांट है, मैं कटिंग के द्वारा ही तैयार की हूँ। अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और ढेर सारी कलियाँ फूल लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं इनकी कलियाँ देखी, इनमें फूल देखे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलिए इनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कटिंग के द्वारा तैयार की हूँ और कटिंग बहुत ही आराम से लगा सकते हैं इस समय। और मैं आपको बता दूं कि जब कटिंग हम इसकी लगाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगाते हैं और रेगुलर पानी भी नहीं देना है। जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाती तभी पानी देना है। और ये भी बता दें कि इन्हें जो है डायरेक्ट फुल सनलाइट में नहीं रखना है। कटिंग लगाने के बाद एक हफ्ते छांव में रखना है, फिर जैसे दिखता है कि कटिंग अब हमारी लगने के कगार पे, तब धीरे धीरे हमें इन्हें धूप दिखाना है। और केयर करने की बात अगर हम करें ना फ्रेंड्स, तो मिट्टी जब ऊपर से हल्की सी ड्राई हो जाती तभी पानी देते हैं। और खाद देने की बात अगर हम करें तो बस वही ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, वर्मी कंपोस्ट, या फिर जो भी हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं ना, वो सब जो इसमें देते हैं। या फिर मन में आया तो बनाना पील फर्टिलाइजर जो है लिक्विड वाला, वो भी हम इसमें दे देते हैं। और ज़्यादा टहनियाँ नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी देखिए जितनी है सब में ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं। तो सुबह का पहर है फ्रेंड्स, तो मैं आई थी किसी काम से छत पे ना, तो मैं इनको देखी, हाँ पानी देने आई थी। देखिए तो काफ़ी लेट हो गया, नहीं तो बिल्कुल सूर्य के निकलने से पहले पानी दे देती थी, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया। फिर भी जो कोई बात नहीं है, देखिए इनके जो फूल हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसे हम गमले में भी लगा सकते हैं और ये देखिए कंटेनर में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी घने होते हैं। और अगर ऊपर का हिस्सा हम कट करके हटा देते हैं जब ये ज़मीन में लगे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर से नई नई ब्रांचेस से तैयार करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आराम से लग भी जाते हैं, केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इनके जो फूल हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब में कलियाँ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगे ना, तो आप नर्सरी से इसे ज़रूर लाइए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, नर्सरी से ज़रूर लाइए और अपने घर में, गमले में या फिर ज़मीन में इसे लगाइए। और कहीं भी अगर ये प्लांट देखे तो छोटी सी कटिंग ला के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाती है इनकी। धूप की अगर हम बात करें फ्रेंड्स ना, तो मैं इसे ऐसी जगह रखी हूँ जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक इन्हें धूप मिलती रहती है। और ये परमानेंट प्लांट है, एक बार अगर आपके गार्डन में लगे हैं, थोड़ी सी देखभाल अगर की जाए ना, तो ये बराबर हमारे गार्डन में पड़े रहेंगे। और इस समय तो इनके फूलों का सीजन है, बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से जो है चिली हिबिस्कस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं और केयर कर सकते हैं इनके ऊपर, और समय समय से इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके इनमें खाद भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रखनी चाहिए कि हम अपने प्लांट में ऑर्गेनिक खाद ही दें और रासायनिक खादों से ज़्यादा दूर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने इनमें कोई कीड़ा नहीं देखा है, कोई भी कीड़ा नहीं लगे हैं, अब बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ, हिबिस्कस के प्लांट में देखते हैं, लेकिन चिली हिबिस्कस प्लांट में जो अभी तक मैंने कोई कीड़ा इसमें नहीं देखा, बिल्कुल सुरक्षित प्लांट हमारा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।